राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे ने आज खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर मोदी सरकार और विष्णुदेव साय सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वह अपना अमूल्य वोट कमल फूल पर बटन दबाकर बीजेपी को विजयी बनाए। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल जनता को गुमराह करती है। मोदी जी की लहर है और विष्णुदेव साय जी ने जो मातृवंदन में जो सौगात दिया है, किसानों को जो अंतर की राशि दी है, आम जनता आम मतदाता बहुत खुश है, प्रसन्न है, पूरे प्रदेश में खुशी का वातावरण है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये विष्णु और मोदी का सुशासन है, मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और ये फलीभूत हो रहा है। आज हमारी सभी माताएं बहनें आप देख रहे हैं प्रसन्न है। मैं तो ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 11 सीट नहीं, यदि 15 सीट भी होता जीत गया। इस देश में सरकार बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी ने तो डिक्लेयर कर दिया इनका कितना सीट में लड़ रहे हैं। ये सरकार न तो बनाने के लिए लड़ रहे हैं न जीतने के लिए लड़ रहे हैं, केवल अटकाने लटकाने भटकाने के लिए बरगलाने के लिए लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।